भी 2 सेकंड में आप इधर भी आ गई हैं। हाँ, अब बच्ची तो घर आ गई। तो मामू भी थोड़ी बहुत चाय जो है वो चेक कर लेते हैं। पानी पी रहा हूँ गरम। एक गिफ्ट था, ऐसा समझ लें लाइफ गिफ्ट। वीए भी आवाज आ रही है। क्या बात है, क्या बात। बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो गया है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ हम पढ़ के आ चुके हैं और शनाज जुना भी नमाज अदा कर ली, अम्मी जान ने भी नमाज़ पढ़ ली है। और अभी इंशाल्लाह ताला बच्चों के नाश्ते का टाइम है क्योंकि स्कूल भी जाना है बच्चों ने, और जल्दी से फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। बाकी की जो जिम्मेदारियाँ हैं फिर इंशाल्लाह वक्तन वक्तन वो भी निभाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल, आग जो है ना वो टाइम से जलाई हुई थी क्योंकि लाडो खाला का जो छोटा बेटा है उसको बुखार हो गया था सर्दी के साथ, आधी रात को सभी जाग गए थे। मौसम की वजह से हाँ, हर कोई बीमार हो रहा है, बीमार हो रहा है तो सभी जाग रहे थे। तो आग जलाई हुई थी पहले, नमाज अदा करने से भी पहले की आग जली हुई है यहाँ पर। मेरा खुद का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है जी, खांसी भी साथ साथ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खराफियत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। लकड़ियाँ गीली इस वजह से भी कुछ ये धुआं होता है ना तो खांसी शुरू हो जाती है। हाँ। हलक में जाता है, कड़वा दो। ये लकड़ियाँ भी कल हमने रख दी थी धूप में यहाँ पर ताकि ये सूख जाएं क्योंकि अब गीली लकड़ियाँ ही इस्तेमाल कर रहे हैं सभी। धुआँ बहुत ज़्यादा होता है और सबको खांसी बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी इस मस्जिद से एक किसी की फौतगी का ऐलान हो रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जिसका ऐलान भी है बख्शिश फरमाए। ठीक से समझ तो नहीं आ रही लेकिन हो किसी की डेथ का रहा है, अल्लाह पाक सबको अपनी खैर वाफियत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी 2 सेकंड में आप इधर भी आ गई हैं। हाँ, अब बच्ची तो घर आ गई है। क्या बात है नन्नी, पता करने आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह सुबह उठती है ना तो सबके घर जाती है, सबका जाके पता करती पहले है। पहले बड़ी जगह गई हां। अच्छा, उठो ठीक है, दवा होने चलें जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। करना होता है सुबह सुबह, मेरी तो यही दुआ है कि जिनकी माएं जिंदा हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। सर पे साया सलामत हो माओं का। आमीन। तो अभी देखें, अभी नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ के फौरन इधर आई है। बिल्कुल, मेरा पता करना। हाथ में तस्बीह अभी भी पकड़ी हुई है। चलें जी, बैठे आप भी चाय पिए? नहीं, मैं अभी नाश्ता करूंगा फिर चाय पीऊंगा। अच्छा, नहीं मेरे पापे है ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो आज जो है ना वैसे ही जल्दी उठते हैं लेकिन आज ना थोड़ा और जल्दी उठ के आग जलाई थी, देखे पूरा चूल्हा भरा हुआ है और हवा इतनी ठंडी सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा हवा। अभी बनाई जा रही है रोटी, चाय बना ली है और आज जब से दूध आया ना खुला वाला तो मामू भी थोड़ी बहुत चाय जो है वो चेक कर लेते हैं। पानी पी रहा हूँ गरम। कल चाय पी रहा था ना तो मैंने कहा थोड़ी सी। अच्छा चलें फिर ठीक है। और ज़ैनब ने चाय के साथ नाश्ता कर लिया, आज रोटी नहीं खाई, कहती है कि मुझे जल्दी स्कूल जाना है। तो अभी अभी इसको मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ, आप लोग ना रोटी बनाए। और ये भी नाराज़ होके बैठी है कि ज़ैनब के साथ, कहती है मैंने भी स्कूल जाना है। ज़ैनब के साथ स्कूल जाना है बस, अब नाराज हो गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या लें भैया? मुझे एक राशन बना दें अच्छा सा, ठीक है? पैक कर देते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। अभी जी हाँ, यहाँ पर सामान लिखवाते हैं भाई को, डेनमार्क वाली सिस्टर की तरफ से राशन बनवाने के लिए आए हुए हैं, राशन बनवाते हैं और फिर लेके चलते हैं। डेनमार्क वाली सिस्टर की तरफ से जो राशन देना था वो अल्हम्दुलिल्लाह बनवा के मैं ले आया हूँ। और मामू यूएसए वाली सिस्टर की तरफ से जो आपने बोला था ना राशन, वो भी देना है, वो मैं कह के आया हूँ, वो बना रहा है। तो जब तक वो सामान वगैरह बना लेगा ना ये दे के आ जाएंगे और फिर जो है ना फिर देते आना। हाँ फिर वो लेके वो भी दे देना। चलें ठीक है, वो भी दे आते। ठीक है मामी, रेडी होगी हैं? हाँ वो रेडी है। मामी आ जाएँ फिर, आ जाए चलें। ये भी साथ में जा रही है। डेनमार्क वाली सिस्टर की तरफ से राशन लेकर हम इस सिस्टर के घर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये राशन है, इनका आटा है, इसमें महीने भर का पूरा राशन है आपका, ठीक है? और उनकी तरफ से अमानत भी है आपके लिए, ये कुछ नकदी है,
आपके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े वगैरह ले लीजिएगा, या जो चीज़ भी आपको ज़रूरत हो ज़्यादा वो ले लीजिएगा। और ये साथ में जी राशन है आपका, ठीक है। और हाथ उठा के उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दें, अल्लाह आमीन। उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दें, अल्लाह आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे सिस्टर, इसमें हर चीज़ है, और ये आपने जब भी खाना है और उस बहन भाई बहन भाइयों के लिए आपने दुआ करनी है। जी बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है जी, चले जी, चले आज। क्या माशाल्लाह जी, कपड़े सिलाई हो रहे हैं जी, चले जी। किधर गई है आपकी अम्मी? मांगने के लिए। अल्लाह का हर मुश्किल आसान करे। चलो अम्मी जान के कपड़े तो दिखाओ। अच्छा जी, जो उस दिन दे के गए ना तो वही सिलाई की है। अच्छा, आपने खुद सिलाई की है? जी हां। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा, बाजू पे लेस भी लगाई है। चलें जी, चला चाहिए लो। ये हमारी एक यूएसए की सिस्टर है, उनकी तरफ से आपके लिए नकदी रकम आई है कुछ, तो आपने राशन वगैरह ख़रीद लेना घर का, ठीक है। और उनके लिए ढेर सारी आप भी दुआ कर दें, और उनसे भी दुआ करवा दें, करवा दीजिएगा, ठीक है। आप भी दुआ कर दें हाथ उठा के, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। हम पहुंच गए जी अभी राशन देने के लिए यूएसए वाली सिस्टर की तरफ से। उस दिन हमने वीडियो बनाई थी यहाँ पर, ये अम्मा जी और एक इनके साथ और अम्मा जी थी, वो भी वहाँ पर बैठकर नाश्ता बना रहे थे अपना, और इनका एक बेटा था, तो उन्होंने वीडियो देखी, तो उन्होंने इनके लिए राशन भिजवाया है और साथ में कुछ नकदी रकम भी भिजवाई है, तो ये भी इनके हवाले करने के लिए आए हैं, ठीक है। ठीक है अम्मा जी, ये आपके लिए यूएसए से ये राशन और ये नकदी कुछ रकम आई है, ठीक है। ये आपने मेडिसिन वगैरह जो चीज़ आप बेहतर समझे वो ले लीजिएगा, कपड़े वगैरह जो भी आपको बेहतर लगे, आपको जो चीज़ ज़रूरत हो, और राशन में हर चीज़ है, ठीक है। घी दालें हर चीज़ है इसमें, पूरे घर का राशन है, आप दुआ कर दें, ठीक है। आटा भी है इसमें, हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें, दुआ कर दें, दुआ, अल्लाह आमीन। उनके बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ कर दें, अल्लाह आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। उनके लिए बाद में भी दुआ करते रहना है आपने, ठीक है ना। खुश हैं? बहुत ज़्यादा कम समझ आती है इनको, उर्दू ना काफ़ी ज़्यादा कम समझ आती है, ठीक है। इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, माचिसें वगैरह हर चीज़ हम मैंने लेके इसमें डाली है, ठीक है। ठीक है जी, जज़ाकल्ला। हम भांजा भांजी की तरफ से एक गिफ्ट था, ऐसा समझ लें लाइफ गिफ्ट। मैं अभी आ रहा हूँ जी, मामी और मैं गए थे सर्जी डॉक्टर, सर्जिकल डॉक्टर के पास, तो वहीं से अभी आ रहे हैं जी। और ये मशीन लेके इस अम्मा जी के बेटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आपका बेटा किधर गया है? चलें, किधर है? जरा उसको बुलाएं इधर, तेरे के लिए गिफ्ट घेन के हैं, गिफ्ट। हाँ खोल को। ये जी सर्जिकल डॉक्टर से इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, जो वाटर प्रूफ होती है मशीन, वही हम मशीन लेकर आए हैं। ये देखें जी, इसके अंदर है जी मशीन। ये आपके लिए कानों वाली मशीन है, ठीक है, ठीक है ना। उल्टा खोल लिया आपने। बेचारे को बुखार हो रहा है ना बहुत ज्यादा। ठीक है ना, पट्टियां, ठीक है, ठीक है ना। ये आपने अभी कानों में लगानी है, अच्छा, ठीक है, फिर मुझे बताना है, अच्छा, ठीक है। आपको मैं सेट कर देता हूँ, फिर आप कानों में लगाओ, फिर मुझे दिखाओ, ठीक हो। आवाज आ रही है? ठीक है, वी आवाज आ रही है, क्या बात है, क्या बात, अभी आवाज आ रही है जी बंदे को, ठीक है। अम्मा जी अब खुश हैं, अब आपकी बात सुनेगा भी सही और मानेगा भी सही। मैं भी बहुत, अम्मी की बात माननी भी है, ठीक है, पक्की बात है, मानोगे? अभी आवाज आ रही है सच में, आइए कहते हैं, आइए। चलें जी, ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो ना, सही है, सही है। चलो हाथ उठा के दुआ कर दो, हाथ करके दुआ, अल्लाह आमीन,
भांजी भांजे के लिए ढेर सारी दुआ, मामी के भांजी भांजे हैं और हमारे बहन भाई हो गए, ठीक है। ये आपके बहन भाई की तरफ से आपको गिफ्ट है। चलें जी। मैं भी ना अपने भांजे और भांजे को ना बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चे को ये चीज चाहिए थी, ताकि जो है ना इनके मम्मा जो भी काम कहते हैं चलो ये सुन लेगा और हम फिर मतलब के रिलैक्स होकर रह जाएंगी ना इनकी। आप जो बात पहले नहीं सुनता था ना आपकी, वो बात कहें इसे जरा। कोई बात बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो गया है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अम्मा के जो कान है ना बस अभी थोड़े से ही रह गए। अम्मा जो है ना अपने जोरों शोर से माशाल्लाह से दिल लगा के काम कर रही है, मेहनत माशाल्लाह से बहुत करती है। अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत डाले। आमीन। इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।